हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज का ये मेरा जो सेशन है वो एक स्पेशल सेशन है। आज मैं आपको मैथ फिजिक्स के किसी कॉन्सेप्ट पर नहीं बल्कि इस मैटर पर बात करूंगा, हाउ टू प्रिपेयर मैथमेटिक्स। हम मैथमेटिक्स को कैसे तैयार करें। देखिए, ये एक बहुत कॉमन बात है कि बचपन से मैथमेटिक्स के प्रति बहुत से स्टूडेंट्स में एक डर, एक फोबिया होता है। ये हर कोई महसूस करता है। मैं आज इस मैटर पर बात करना चाहता हूँ आपसे कि मैथमेटिक्स के प्रति डर, एक फोबिया हमारे अंदर क्यों डेवलप हो जाता है। मैं अपने इस लेक्चर को टू पार्ट में डिवाइड करके आपसे बात करूँगा। पहले पार्ट पर मैं इसके साइकोलॉजिकल रीज़न पर बात करूँगा और सेकंड फिर मैं टेक्निकल रीज़न पर बात करूँगा। लास्ट में मैं इसका आपको एक सॉल्यूशन भी दूँगा। देखिए, होता क्या है, मैं आपसे कुछ बात करूं, इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी आपसे शेयर करना चाहता हूं। एक बार एक साधु एक जंगल में घूमते हुए एक महावत के घर पहुंचा। महावत मतलब जो हाथी को पाल के रखता है, हाथी की देख रेख करता है, आपको मालूम है। वहां उसने क्या देखा कि एक बहुत प्यारा सा छोटा सा सुंदर बच्चा, हाथी का बच्चा, बस दो चार दिन ही हुए उसके पैदा हुए हुए, वो उसके कैंपस में रहता है और एक बहुत पतले लोहे के जंजीर से उसको महावत बांध के रखा हुआ होता है। साधु वहाँ पहुँचता है और उस महावत से बात करता है, इतना प्यारा सुंदर सा बच्चा आप इसको बांध के रखे हो, हाथी का बच्चा है, और वो हाथी का बच्चा बंधना नहीं चाहता, इसलिए उस लोहे के जंजीर को बार बार पैर से खींच के तोड़ने का कोशिश कर रहा है, लेकिन चूँकि छोटा बच्चा है तो उस जंजीर को तोड़ नहीं पा रहा है। महावत बोलता है कि हाँ, ये जंगल में इधर उधर भाग जाएगा कुछ बड़ा होते तक, तो अभी मैं इसको इस तरह से ही बांध के रखूँगा। वो उसको तोड़ने का प्रयास क्यों कर रहा है, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई फ्रीडम चाहता है, आज़ादी चाहता है, बंध के कोई रहना नहीं चाहता। बात होती है, साधु चले जाते हैं। बहुत लंबे समय के बाद, 10-15 साल बाद साधु का फिर अचानक वहाँ आना होता है। तब वो देखते हैं कि जिस जगह पर उस बच्चे को उन्होंने देखा था, वहाँ एक जवान हष्ट पुष्ट बहुत ताकतवर हाथी वहीं बंधा हुआ है। उनका ध्यान उस लोहे के जंजीर पर गया तो उनको याद आया कि बचपन में भी यह इसी जंजीर से बंधा था और आज भी इसी जंजीर से बंधा है, लेकिन दोनों इवेंट में एक डिफरेंस था कि तब वह उस जंजीर को तोड़ने का प्रयास कर रहा था और आज आराम से उस जंजीर से बंधा हुआ खड़ा था। साधु को बहुत आश्चर्य होता है। वो महावत से पूछते हैं, भाई मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तब मैंने इस हाथी को जब बच्चा था तो इस लोहे की जंजीर से बंधा हुआ मैंने देखा था, आज भी वह इसी जंजीर से बंधा है, यह तो अभी एक बार झटका देगा तो जंजीर टूट जाएगा, लेकिन फिर भी वह ऐसा प्रयास क्यों नहीं कर रहा है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि बचपन में उस हाथी के दिमाग पर जब वो बच्चा था, एक साइकोलॉजिकल फोबिया, एक डर पैदा हो गया कि मैं इस लोहे की जंजीर को नहीं तोड़ सकता, और आज उसी डर के कारण उसके अंदर वो ताकत आ चुका है कि वो जंजीर को तोड़ सकता है, लेकिन अब उसने प्रयास करना बंद कर दिया है। जहाँ तक मेरा बहुत लॉन्ग एक्सपीरियंस है टीचिंग पर, मैंने बहुत से बच्चों में एक बात देखा है कि मैथमेटिक्स के प्रति लोअर क्लासेस में, छोटे क्लास में जो उनके अंदर एक डर पैदा हो जाता है, वो हायर क्लास के आते तक, जब वो हमारे जैसे टीचर के कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो डर वो फोबिया में महसूस करता हूँ। आज मेरा लेक्चर कम्प्लीटली इसी फोबिया को रिमूव करने पर है। बचपन में इसके बहुत से रीज़न हो सकते हैं, कभी कोई टीचर ने फोबिया डेवलप कर दिया, कभी पेरेंट्स ने कर दिया, कभी किसी फ्रेंड ने कर दिया, एनीवे रीज़न कोई भी हो, लेकिन हमारे अंदर एक डर तो पैदा हो जाता है। हम क्वेश्चन पूछना भी धीरे धीरे बंद कर देते हैं। छोटे बच्चे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। मैं जनरली अपने हायर क्लास के स्टूडेंट से बात करता हूँ कि भाई आप लोग क्वेश्चन पूछो, तो मैंने देखा है कि मिनिमम स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं। उसका कारण क्या है, क्या उन्होंने कभी क्वेश्चन नहीं किया था? किया था, लेकिन बचपन में उनके क्वेश्चन का ऐसा जवाब मिला था कि धीरे धीरे उन्होंने क्वेश्चन करना ही बंद कर दिया। कभी किसी टीचर ने कह दिया कि टीचर और स्टूडेंट के लेवल में बहुत डिफरेंस होता है। कभी कभी टीचर समझते हैं कि इतनी छोटी बात को नहीं बता पा रहा है, और स्टूडेंट जब क्वेश्चन करता है तो टीचर स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, इतनी छोटी बात नहीं पता तुमको, और इस तरह से दो चार उटपटांग जवाब के बाद हम क्वेश्चन करना बंद कर देते हैं। और मैं समझता हूँ यहीं से हमारे अंदर जो डर पैदा होता है वो फॉरएवर, बहुत लंबे समय तक हमारे अंदर रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपका मैथमेटिक्स के प्रति कोई डर होगा भी, तो प्लीज़ आज से
आप उस हाथी की स्टोरी को कोरिलेट करके आप उस डर को रिमूव कर दीजिए, क्योंकि अब आपके ब्रेन के अंदर इतना ताकत आ चुका है कि आप बहुत आसानी से अब उस मैथमेटिक्स को आप समझ सकते हो। अब मैं इसके टेक्निकल इशू पर बात करूं। मैं आपको कुछ ऐसे टेक्निकल चीज़ें बताना चाहता हूं जिसमें मैं मैथमेटिक्स को आपके लिए इजी कर सकूं। और मैथमेटिक्स के जितने भी वीडियो आप जितने भी लेक्चर मेरे आप देखेंगे, मैं चाहता हूं कि आप उससे पहले मेरे इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, इसको सब्सक्राइब करिए और इस तरह के वीडियो आप देखते रहिए ताकि मैथमेटिक्स के प्रति मैं इंटरेस्ट पैदा कर सकूँ आपके अंदर। तो पहला सबसे टेक्निकल बात यह है कि मैथमेटिक्स के बहुत डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं और ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में हर मैथमेटिक्स के पढ़ने का तरीका अलग अलग है। कभी कभी स्टूडेंट कैलकुलस में बहुत इंजॉय करते रहता है और प्रोबेबिलिटी पढ़ते समय उसको बहुत बोरिंग लगता है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में बहुत मजा आते रहता है, ज्योमेट्री पढ़ता है तो अजीब लगता है, फिर वो रिलेशन फंक्शन पढ़ता है बहुत अजीब लगता है। क्या वजह है कि हमारे मैथमेटिक्स के टॉपिक या ब्रांच चेंज होने के बाद हमारा इंटरेस्ट भी उस लेवल पर चेंज हो जाता है? इसका सबसे बड़ा रीज़न है स्टूडेंट्स, वो है मैथमेटिक्स को उस तरीके से नहीं पढ़ना जिस तरीके से हमको उस मैथ्स को पढ़ना चाहिए। हर मैथमेटिक्स का अपना एक बेसिक नेचर है, जैसे हर आदमी का अपना एक बेसिक नेचर है, मेरा अलग नेचर है, आपका अलग नेचर है, किसी तीसरे पर्सन का अलग नेचर है, उसी तरह से कैलकुलस का अलग नेचर है, ट्रिग्नोमेट्री का अलग नेचर है। हम क्या गलती करते हैं, हम प्रोबेबिलिटी को भी वैसी पढ़ना चाहते हैं जैसा हमने कैलकुलस को पढ़ा था। ये हम एक बहुत बड़ा टेक्निकल मिस्टेक करते हैं। तो क्या करें इसके लिए, हर मैथमेटिक्स का अपना पढ़ने का एक तरीका है। जैसे आपको कैलकुलस पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, वह कम्प्लीटली फार्मूला पर बेस्ड है। आप ट्रिग्नोमेट्री के 10 स्टेप्स के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो नियर अबाउट 8-10 फार्मूला हम उसमें यूज़ करते हैं, क्योंकि हर स्टेप के बाद है एक नया फार्मूला अप्लाई करते हैं। लेकिन वहीं पर हम यदि सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं, यदि हम रिलेशन पढ़ रहे हैं, फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। तो कुछ मैथमेटिक्स फार्मूला बेस्ड हैं, कुछ कम्प्लीटली कॉन्सेप्ट पर हैं, कुछ लॉजिक और रीजनिंग पर हैं, प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, उसका नेचर अलग है। तो हमको किसी भी मैथमेटिक्स को उसी वे में एक्सेप्ट करना चाहिए जिस वे में वो समझ में हमको आएगा। तो मैं कुछ टेक्निकल पॉइंट्स आप पर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँगा। फर्स्ट पॉइंट इज कॉन्सेप्ट। कोई भी मैथमेटिक्स हो, आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट पर अपने आप को फोकस करना चाहिए। देखिए, कई बार होता क्या है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता नहीं, हम कुछ फार्मूले रट लेते हैं, उसके बाद कुछ एग्जांपल देख लेते हैं बुक से, या टीचर हमको एक दो क्वेश्चन बताते हैं उसको हम समझ लेते हैं और बाकी क्वेश्चन को उसी तरह से कोरिलेट करके बनाने लगते हैं। एग्जांपल 5 कैसे बना था, वैसा बना था, तो एक क्वेश्चन नंबर 7 उसी को मैच करता, हम ऐसी बना देते हैं। हम कॉनिक सेक्शन पढ़ रहे हैं, हमको कॉन्सेप्ट नहीं पता, कॉनिक सेक्शन होता क्या है नहीं पता, और हम उसको क्वेश्चन सॉल्व करने लगे फार्मूला रटा मार के। ये बहुत गलत है। सबसे पहले आप किसी भी मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए कि एक्चुअल में वो है क्या। आफ्टर दैट, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो सेकंड पॉइंट में आप ध्यान दीजिए उसके फार्मूले। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत सारा फार्मूला मैथमेटिक्स का फ्यूल्स है, उसका ईंधन है, उसी दम पर हमारा सब्जेक्ट चलता है। तो सेकंड थिंग ये कि आप पूरे फार्मूले लर्न कर लीजिए, पूरे फार्मूले आप रख लीजिए। ये दो चीज़ आपका क्लियर हो जाता है तो तीसरे नंबर में उस फार्मूला को कोरिलेट करते हुए कुछ आप क्वेश्चन करिए। ये तीन काम आप कर लेते हैं तो आपका कंप्लीट वह मैथमेटिक्स पर एक कमांड हो जाता है। और चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, वो है प्रैक्टिस, अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस। मुझे आज भी अपने मैथ्स टीचर का एक स्टेटमेंट याद है कि बेटा, स्वर्ग उसी को दिखता है जो मरता है। यदि पड़ोसी मरे और मैं स्वर्ग देखने की इच्छा रखूं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैथमेटिक्स में कमांड उसी का होता है जो खुद उसको करता है। चाहे आपके लाइफ में कितना अच्छा भी टीचर मिले, कितना अच्छा भी आप कोचिंग क्लास ज्वाइन कर लीजिए, आप किसी तरह के भी आप रिसोर्स आप ले लीजिए, नोट्स ले लीजिए, बुक्स ले लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। मैं दोनों सब्जेक्ट पढ़ाने वाला टीचर हूँ, मैं फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ, आप मेरे वीडियो देखते हैं, मैथ्स भी पढ़ाता हूँ, दोनों सब्जेक्ट का नेचर अलग है। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, फिजिक्स इज़ टीचर बेस्ड सब्जेक्ट, क्योंकि वहाँ पर इमेजिनेशन कॉन्सेप्ट इतने ज़्यादा हैं कि टीचर यदि आपको ढंग से ना बताए तो हो सकता है उन चीज़ों को आपको समझने में कई दिन लग जाएं। बट मैथमेटिक्स इज 75% स्टूडेंट बेस्ड सब्जेक्ट, ओनली 25% बेस्ट टीचर, क्योंकि टीचर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर, कितना क्वेश्चन बताएंगे टीचर आपको, 2, 4, 5, 6, 10, 20, 50, यहाँ तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन है।
तो आपको प्रैक्टिस करना है। अब सवाल ये उठता है कि हम प्रैक्टिस करें कैसे। एक स्टूडेंट के दिमाग में कन्फ्यूजन होता है कि सर इतने सारे क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। और डियर स्टूडेंट्स, आपको एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि आप सिमिलर टाइप के हजारों क्वेश्चन मत करिए, आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करिए। सपोज एक स्टूडेंट एक एग्जाम में बैठता है और उसने 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, और सपोज है कि स्टूडेंट 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, और जब दोनों पेपर दे के आते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम IIT GIE के पेपर दे के आते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि ओनली 100 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले स्टूडेंट अच्छा कॉपी बना के आता है। क्या वजह है इसका? इसका वजह यह है कि 100 क्वेश्चन करने वाले स्टूडेंट ने 100 डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट पर फोकस किया, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन पर टाइम वेस्ट नहीं किया। और 1000 क्वेश्चन करने वाले स्टूडेंट ने नंबर ऑफ क्वेश्चन तो ज़्यादा किया, ज़्यादा टाइम भी उसने दिया, बट उसने बहुत सारे सेम टाइम के क्वेश्चन को बनाने में टाइम वेस्ट कर दिया। सेम टाइम का क्वेश्चन बनाने पर मना नहीं कर रहा हूँ मैं, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको स्किल डेवलप करने के लिए, फास्ट स्पीड बढ़ाने के लिए, मिस्टेक्स रिमूव करने के लिए आपको ज़्यादा क्वेश्चन करना पड़ेगा। लेकिन मेरा एक सजेशन है कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चन को बढ़ाने के बजाय नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा फोकस कीजिए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको मैं बोल दूँ कि जब भी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, आप एक्सरसाइज करें, तो अपने बुक पर कुछ स्पेशल मार्क्स लगाएं, सपोज स्टार लगाएं। हम अपने स्टूडेंट लाइफ में ऐसा करते थे, सपोज हमारे से कोई क्वेश्चन बहुत इजी वे में बन गया, हमने उसमें कोई निशान नहीं लगाया। सपोज हमको किसी क्वेश्चन को बनाने में थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ा, इधर उधर करना पड़ा, टाइम टेकन था, डिफिकल्ट था, हमने उसमें 1 स्टार लगा दिया। सपोज कोई क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट था, हमको टीचर से पूछना पड़ गया, या हम किसी दूसरे के हेल्प से उसको समझ पाए, हमने उसमें 2 स्टार लगा दिया। और सपोज हमको कोई ऐसा क्वेश्चन मिला जो बिल्कुल कॉन्सेप्ट से डिफरेंट था, जो बिल्कुल मिसलेनियस टाइप का था, जिसमें कोई बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट अप्लाई होता था, उसमें हमने 3 स्टार लगा लिया। अब ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ? एग्ज़ाम से पहले यदि मुझे रिवीजन करना है और मेरे पास टाइम कम है, तो मैं क्या करूँगा, स्टार के अकॉर्डिंग मैं प्रैक्टिस करूँगा। सबसे पहले 3 स्टार वाले क्वेश्चन देखूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप के हैं, फिर 2 स्टार, फिर 1 स्टार, और टाइम रहेगा तो बिना स्टार वाले क्वेश्चन, ना रहे तो उनको देखने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ टेक्निकल इशू पर स्टूडेंट्स मैंने आपसे बात किया। मेरे और भी वीडियो पर मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ इस तरह की चीज़ें आपको प्रोवाइड कराते रहूँगा, क्योंकि रेगुलर जब हमारा क्लास होता है तो हम इस तरह की बात आपसे नहीं कर पाते। फिजिक्स के लिए भी मैं कुछ टेक्निक्स आपको बताऊँगा, तो आप लगातार मेरा वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, और मैथमेटिक्स को ईजी बनाइए, और आगे मेरे मैथमेटिक्स के जितने भी वीडियो हैं आप